गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अस्थायी ओबीसी आयोग नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आप कब अस्थायी ओबीसी आयोग बनाएंगे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पीसी माई ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि आयोग एक सदस्य क्यों है, पूरी बॉडी का गठन क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी। गुजरात में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है। इसी साल अगस्त में गुजरात सरकार ने ग्राम पंचायतों और दूसरे स्थानीय निकायों के चुनाव में 27% आरक्षण लागू किया था। गुजरात सरकार ने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेवानिवृत्त जस्टिस के एस झवेरी की अगुवाई में एक कमीशन बनाया। सरकार ने इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 27% आरक्षण का ऐलान किया था। दरअसल ओबीसी कमीशन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि राज्य में बीते 25 सालों से अस्थायी ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए विधानसभा से कानून भी पारित नहीं किया, इसके लिए कोई नीति और नियम नहीं बनाए हैं। वर्तमान मात्र प्रस्ताव के आधार पर एक अस्थायी ओबीसी आयोग चलाया जा रहा है। 1998 के सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सानी के फैसले के बाद हरेक राज्य में अस्थायी ओबीसी आयोग की गठन जरूरी है। राज्य में अस्थायी आयोग नहीं होने पर इस वर्ग के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अस्थायी ओबीसी आयोग के गठन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रुख पर नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने सवाल उठाते हुए कहा कि ओबीसी आयोग में एक ही सदस्य क्यों है, पूरी बॉडी का गठन क्यों नहीं किया गया। खंडपीठ ने कहा कि आयोग की कार्यवाही विस्तृत और विशिष्ट है। समय समय पर ओबीसी में शामिल या शामिल होने की इच्छुक जातियों का इसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। आयोग का काम सिर्फ शिकायतों का निराकरण करना नहीं होता, आयोग का कार्य क्षेत्र व्यापक है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख निर्धारित कर दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।